सवाल ये है कि जब वालिद की प्रॉपर्टी में जो का हक है तो वालिद के इंतकाल के बाद जब माँ कुछ प्रॉपर्टी बनाते तो उसमें किस तरह विरासत तकसीम की जाएगी? इसका जवाब यह है कि जिस तरह से वालिद की प्रॉपर्टी में बच्चे वारिस होंगे या जो भी वालिद के जो भी वरसा हैं सारे लोग पाएंगे, उसी तरह से वो जो उनकी वालिदा हैं, वो वालिदा भी एक इंसान है, एक मुसलमान है, जाहिर है उनके पीछे भी कुछ लोग होंगे, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं और भी दूसरे लोग हो सकते हैं। तो उनकी माँ की वफात के बाद शरीयत में उस औरत के जो भी वरसा बनते हैं उसकी जायदाद में सारे लोग हिस्सा पाएंगे, यहां तक कि उस औरत ने अपने शौहर के मरने के बाद जो मीराज पाया था वो जायदाद भी मौजूद है, उसकी है, उसमें भी बच्चे पाएंगे या जो भी वरसा है सारे लोग पाएंगे। तो मर्द में और औरत में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से वालिद साहब की वफात के बाद लोगों ने मीराश में उनकी जायदाद को तकसीम किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से वालिदा की वफात के बाद तकसीम करेंगे, जिसका जितना हिस्सा है वो लेगा।